क्या हाल चाल मेरे भाइयों का? बढ़िया। सो हम सब ने बहुत बात कर लिया ट्रिपल आर को लेके, केजीएफ को लेके, सलार को लेके, पुष्पा को लेके, आला वैकुंठ पुरमोलो को लेके। अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोग बात करें भाई आदिपुरुष को लेके। मैन यहाँ ने एक बात मेरी याद रखना, तुम लोग ये फिल्म ना भाई ट्रिपल आर और केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जो ट्रिपल आर और केजीएफ जो अभी रिकॉर्ड बनाएगी ना भाई, वो तोड़ेगी भाई वन एंड ओनली अपना आदिपुरुष भाई। तुम लोग कहीं नोट करके रख लेना कि संजू ने ये बात बताई हुई थी। और देखना भाई ये फिल्म आने के बाद ना मतलब अलग लेवल पे जाने वाली है, सीरियसली मैन। तो इतनी बड़ी फिल्म है यार, अपडेट भी इस फिल्म को लेकर काफी बड़ा बड़ा निकल के आ रहा है। सबसे पहला अपडेट है भाई रिलीज डेट कब होने वाली है आदिपुरुष का यार। और दूसरा कुछ सीन को लेकर बात करने वाला हूँ भाई, ये क्लाइमेक्स सीन और इसके एंट्री सिक्वेंस में क्या पैसे खर्च किए गए, मतलब इस पर थोड़ा हम लोग नजर डालते चलेंगे मैन। तो इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सीरियसली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी अलग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है मैन। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं डार्लिंग बाबा की सबसे धमाकेदार फिल्म पे मैन, मीन्स आदिपुरुष पे। डार्लिंग बर्बास ना अभी थोड़ा सा शांत है, उनकी अभी फिल्म आ रही है राधे श्याम, 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। बट वो फिल्म वो रिकॉर्ड नहीं बना पाएगी, इस बात में भी सच्चाई है। वो फिल्म भाई आएगी, ब्लॉकबस्टर होके चली जाएगी। बट इसके बाद जो प्रभास जो खेल स्टार्ट करेंगे ना भाई आदिपुरुष को लेके, उसके बाद आएगी भाई अपना सलार, ये दोनों फिल्म वो तूफान मचा के जाएगी ना भाई, जो किसी ने सोची ना होगी। सीरियसली मैन ये फिल्म में ना भाई मीन्स आदिपुरुष में ना डार्लिंग प्रभास के जो भी एंट्री वाले सिक्वेंस है ना भाई, उस पर 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया। हाँ तुम सबने सही सुना मैंने, मतलब इतना तुम्हें लैविश एंट्री देखने को मिलेगा ना भाई, ऐसा तुम लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तुम कभी देखे नहीं होगे। मतलब हम सब ने बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनी है, जैसे बाहुबली, बाहुबली 2, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी है भाई। लेकिन जो हम लोग आदिपुरुष में डार्लिंग प्रभास को जो एंट्री देखेंगे ना भाई, ये वाला एंट्री ना भाई आज से पहले हम सबने नहीं देखा होगा। चलो एंट्री का तो भाई माहौल बन गया भाई, क्लाइमेक्स की बात करें तो तुम लोग समझ सकते हो भाई एंट्री वाले सीक्वेंस पे इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो क्लाइमेक्स पे कितने पैसे खर्च किए जाएंगे मैन। यहाँ तो भाई क्लाइमेक्स में तो भाई बड़े बड़े विलन होंगे, मीन सैफ अली खान होंगे, अपने यहाँ डार्लिंग प्रभास होंगे, सनी सिंह होंगे, अपने कृति सैनन होंगे। जो भी लोग नए सब्सक्राइबर, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो आदिपुरुष में भाई डार्लिंग प्रभास भाई राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और जो सनी सिंह है वो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और सीता माता का कैरेक्टर प्ले कर रही है हमारी कृति सैनन। और बात करें रावण का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है अपने सैफ अली खान। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं ओम रावत सर, और ओम रावत सर लिटरली भाई एकदम बेस्ट डायरेक्टर है। उनकी पिछली फिल्म तानाजी करके थी, जो भी भाई लोग नहीं देखो उस फिल्म को जरूर एक बार देख लेना यार, क्योंकि वो भाई सीरियसली दिल से फिल्म बनाते हैं भाई। हमसे को बहुत शिकायत होता है ना कि बॉलीवुड वाले हमारे संस्कृति को लेकर उतनी फिल्में नहीं बनाते, हमारे कल्चर को लेकर जो हमारे रूट है ना भाई उसको लेकर फिल्में नहीं बनाते हैं। बट यही खास बात है ओम रावत सर, हमारे रूट है ना भाई उस पर फिल्में बनाते हैं। तो बैक टू पॉइंट आते हैं अपना आदिपुरुष भाई, तो वही डायरेक्टर इस फिल्म को भी डायरेक्ट करने वाले, तुम लोग यहाँ समझ सकते हो कितने प्यारा तरीका से वो बनाएंगे इस फिल्म को यार। तो सबसे बड़ा चीज है भाई हमारे पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर ये कहानी होने वाली है, रामायण पे कहानी होने वाला है। तो तुम लोग यहाँ भी देख सकते हो भाई ये फिल्म का क्या स्केल जाने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग से बात मैं तुम लोग को बता दूं, ये फिल्म भाई प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया है, समझ रहो हरा पर्दा प्रॉपर शूट किया गया है। और यहाँ तुम्हें ऐसा ऐसा सीन देखने को मिलेगा ना भाई, वही मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला भाई बहुत गर्दा गर्दा ये रिकॉर्ड बनाने वाला है। क्या क्या रिकॉर्ड बनाएगा, किसका किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये आदिपुरुष को भी नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई आंख बंद करके भाई इस फिल्म के लिए तुम जितना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा सकते हो ना भाई उतना बढ़ा लो, क्योंकि ये फिल्म सच में एकदम कांड करने वाला है। सो अब बात करते हैं रिलीज डेट को लेकर भाई, चलो इतना सारी चीजें मैंने बता दी, अब बात करते हैं रिलीज डेट क्या होने वाला है भाई। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 11th of August, मीन्स 11th of August की फिल्म रिलीज होने वाली है एट एनी कॉस्ट। तुम लोग बताओ तुम लोग इस पे क्या कहना, तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो भाई इस फिल्म को लेकर मैन, जरा भी एक्साइटेड हो भाई ये वीडियो को अपने दोस्तों लोग में शेयर करो, और अपना ओपिनियन तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लीज शेयर जरूर करना, और लाइक नहीं किया होता कर लो यार। और हाँ लास्टली जो भी अलग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होता कर लो यार, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है मैं, और हमेशा बात करना चाहता हूँ आ जाओ यार इंस्टाग्राम दी स्टैट, सारी इसका लिंक भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, यहाँ बातें करते हैं मस्ती करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।